सांप के आने से पहले पहले मुझे यहाँ से जाना है। बहुत डर लगता है भाई मुझे उनसे, पता नहीं क्यों हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं ऐसे ही कह रही थी। ठीक है, हो गया सब? जी आप देख लें, सब हो गया है। गुड। सफिया भी ये लो। इसकी क्या जरूरत है? हमारी मेहनत की कमाई है, रखो चलो। रखो रखो चल। थैंक यू। अब मैं जाऊं? नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हारे वो सेमेस्टर की फीस कब जमा होती है? कल पता करके बता दूं। चलो ठीक। क्या? अल्लाह हाफिज। अब सॉरी। पापा आपकी कार चाहिए थी, कैन टेक योर कार? कहीं जा रही हो तुम? वो कॉन्सर्ट जा रही थी, सब दोस्त जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी चली जाऊं। आइसल बेटा आज? आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगी घर। ओके ओके, कार कीज आरिफ के पास। ओके बाय बाय। बड़े आए अमीर लोग, बंदा खाने का ही पूछ लेता है। जी आपको नहीं कह रही, चाचा कितने की एक प्लेट? 50 की। कल तक तो 40 की थी। पर आपको पता है चना वगैरह सामान इतना महंगा हो गया है। लाला रहने दो। अरे बाजी ये लें। अरे लाला क्या करता है, जल्दी बना। अरे चली जाएगी, जल्दी बना। ये लो। ये तुम लाई हो? हाँ लो ना। अब ना आप खुद भुगते हैं। पकड़ो इसे और चलते फिरते नजर आओ यहाँ से। क्यों, तुम्हारा तो बहुत दिन चाह रहा था ना, इसीलिए तो मैंने उसके हाथ भिजवाया था ये। देखो जमशेद, जिमी कहो ना, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि यही ना कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, है ना? जब सब कुछ जानते हो तो क्यों करते हो इस तरह की हरकतें? मोहब्बत करता हूँ तुमसे। लेकिन मैं मोहब्बत नहीं करती तुमसे। यही तो मसला है, यही तो मैं तुम्हारे दिल में जगाना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत आ जाए। पकड़ो इसे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात मान। अच्छी खासी जो चाट है। Happy anniversary.
तुम्हारा गिफ्ट अच्छा है ना? इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? नहीं है इतना महंगा। हाँ हाँ याद है मुझे, याद है, मैंने अपने लिए भी गिफ्ट लिया है, दिखाऊं? ये देखो। वाह अच्छा है, लेकिन पता है मैंने वो परफ्यूम नहीं खरीदा जो तुम हमेशा गिफ्ट करती थी मुझे, क्योंकि उसकी खुशबू से हमेशा तुम्हें याद आती थी। क्यों चली है इतना जल्दी? थोड़ा सब्र कर लिया होता। जानती हो बहुत बातें करनी थी तुमसे, बहुत कुछ कहना था तुम्हें, बहुत कुछ सुनना था तुमसे, चंद सालों तुमसे पहले मैं चला जाता ना तो आज इस कल में ना होता। शमसा ये सब साहब जी खाना लगा दूं? ऐसे ला गई है? नहीं वो तो अभी नहीं आई है। अच्छा चले आ जाए ना तो फिर साथ ही खाऊंगा उसके। जी बेहतर है। बेला बहुत भूख लगी आज तो। आए आए ये ले तू भी खा। वाह 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 वाह, अपने घर के खाने का मजा ही अलग है भाई। वाह असलम चाचा आए थे शाम को, आपका पूछ रहे थे, कहते 4 दिन हो गए तुम्हारे बाप को तलाश करते हुए, मुझे देखकर रास्ता बदल लेता। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा जैसे ही अब्बा आएंगे आपको SMS करके बता दूंगी। मैंने कर दिया अब्बा, वो आते ही होंगे। क्या ठीक है, मैं भी तेरी यूनिवर्सिटी में ना तेरा पोल खोल दूंगा कि तुम कोई अमीरजादी नहीं हो, एक एक, एक मामूली से ड्राइवर की बेटी हो तुम। हाँ देख लेना। आपकी इज्जत के लिए झूठ बोल रखा है मैंने, और जो लोग वहां पर आपकी इज्जत करते हैं, आपको सलाम करते हैं, जिस दिन उन्हें पता चलेगा ना कि आप नशा करते हैं, आपको उठाकर बाहर फेंक देंगे। वो कैसे ही उठाकर बाहर फेंक देंगे? अरे बाप का रा... ऊपर के दरवाजे को ताला लगाया मैंने। शर्म कर्जदारों के सामने बाप को जलील करवाएगी। सही कह रहे हैं बाप, बेशरम मैं ही हूं, क्योंकि जिन लोगों से कर्जा लेकर आप नशा करते हैं वो लोग रोज इस दरवाजे पर आकर तरह तरह की बातें करते हैं, और वो सारी बातें मैं सुनती हूँ, तो इस लिहाज से बेशरम मैं ही हूं। अब आप जाएंगे या थोड़ी बेशर्मी और दिखाऊं? मैं जा रहा हूं। अब्बा क्या है?
रुके। पूछेंगे नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए? वापस आके पूछता हूँ ना। लेकिन मुझे आपको अभी बताना है, ताकि आपके दिल में कोई घटिया बात ना है। साहब के घर गई थी कुछ काम करने के लिए, वहीं से मिले। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी वापस आके ना बाकी पैसों का भी हिसाब करता हूँ तेरे साथ में। पापा, I'm sorry, मैं लेट हो गई। नहीं खैर, इतना लेट नहीं हुई तो। कॉन्सर्ट कैसा रहा तुम्हारा? कोई कॉन्सर्ट नहीं था, मैंने आपसे झूठ बोला था, so sorry। मुझे मामा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं चली गई थी। I'm so sorry। Happy anniversary, Shams. I love you, Shamsa. Love.
सुबह से देख रही हूँ काफी चुप चुप हो, क्लास में भी किसी से बात नहीं की। नहीं बस ऐसे ही। एक्चुअली पापा बिजनेस की वजह से थोड़े से अपसेट हैं, इसलिए मैं भी हो गई। ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, बस वही रूटीन मैटर्स। एक्चुअली पापा ने ना एक नई फैक्ट्री खरीदी है, अब बिजनेस में 20-25 करोड़ निकल जाए तो फर्क तो पड़ता है ना। यू आर राइट। वैसे एक बात कहूं? कहो। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतने बड़े और अमीर घर से आती हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा मतलब है तुम्हारी आजजी, तुम कपड़े भी इतने सिंपल पहनती हो, कोई नखरा भी नहीं है। तुम्हारी ये सारी आदतें ना मुझे बहुत पसंद है, तभी तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सब ना मैंने अपने पापा से सीखा है, आज ही उनमें कूट कूट के भरी है। पापा की प्रिंसेस, मुझे कुछ पढ़ा दो, फेल हो गए ना। चिर है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चलो कौन आ गया सुबह सुबह? खैरियत हो सब? अरे पप्पू हैं। सलाम अलैकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अच्छा हुआ तुम घर पे मिल गए, वरना मैं शाम तक इंतजार करती तुम्हारा। खैरियत है ना सब? इतनी सुबह सुबह खैरियत ही खैरियत। बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियों की तस्वीरें लाई हूँ, देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। क्या हो गया पप्पो? अरे अंदर तो आओ देखो तो। पप्पो मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस तो रोज जाते हो, आज जरा सा लेट हो जाओगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। अब यही खड़े रहोगे अंदर चलोगे? चलिए चलो आओ। आता हूँ आरिफ। ठीक है सर। हाँ जोया, मुझे आधा घंटा लगेगा आने में। ये देखो। अच्छा ये तो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, मुझे भी बहुत पसंद आई है। बैठिए। कैसी लगी? पप्पू आप जानते हैं मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? तुम किसी के सर पे सौतन नहीं मुसल्लत कर रहे हो। हाँ लेकिन अपनी बेटी के सर पे सौतेली माँ जरूर मुसल्लत कर दो। बेटा सब एक जैसी नहीं होती, देखभाल के लाऊंगी, मुझे भरोसा नहीं है। सारी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजारोगे? शादी कर लोगे तो कोई ख्याल करने वाला आ जाएगा ना। शमसा की यादों के सहारे बाकी जिंदगी भी गुजर जाएगी। मेरे लिए शमसा की यादें ही काफी। बेटा यादों से घर नहीं चलते, तुमने अपने घर की हालत देखी, कैसी वीरानी है। औरत ही तो घर को सजाती है बेटा। खैर मैं कह रहा था कि पप्पू छोड़े ना इस टॉपिक को। आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आके रहने लगे, आइजल का दिल लग जाए। ना बाबा बुरा मत मानना, मेरे तो बस से बाहर ही है वही लड़की। तुम गए थे दुबई एक हफ्ता, रही तो थी आके, कानों को हाथ लगा लिए थे मैंने। ना तुम उसे कुछ कहते हो ना वो किसी की सुनती है, फिर क्या फायदा मेरे रहने का। मेरी मानो तो शादी कर लो। आयसल भी अभी छोटी है, मुश्किल तो होगी लेकिन एडजस्ट हो जाएगी वो सौतेली माँ के साथ। वक्त निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी, फिर तुम्हें आयसल की भी शादी करना है ना, कैसे करोगे? और फिर
उसको रुखसत कर दोगे तो किसके सहारे जिंदगी गुजारोगे? अरे पप्पू बताया तो है। आइजल लिसन, आइजल। अच्छा हुआ कल तो पता चल नहीं था ना उसे। आपने देखा किस तरह से रोते हुए गई है। मैं कैसे समझाऊं? मैं नहीं करना चाह रहा हूं दूसरी शादी, और प्लीज आइंदा से ये शादी वाला मामला मत उठाइएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, नहीं करूंगी, लेकिन ये तो बता दो कि मरने के बाद तुम्हारे अब्बा को क्या जवाब दूंगी। इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी आप मुझे। मैं नहीं करना चाहता दूसरी शादी, प्लीज। देखें, मेरे लिए आइजल की खुशी से बढ़ के अब इस दुनिया में कोई खुशी नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको देखूं जाके, पता नहीं अब कहां होगा मीटर। सफिया, सफिया। जी बाजी। अरे भाई, आने जाने वालों से चाय नाश्ते का पूछ लिया जाता है। जी मैं 2 मिनट में लेकर आई। जब मेहमान खुद कहे तो फिर लेकर आती, खुद से नहीं लाया जाता। गलती हो गई, मैं अभी लाई। अभी लाती हूँ। शमसा क्या गई है इस घर से कि कोई वाली वारिस ही नहीं रहा इस घर का, कोई देखने वाला ही नहीं। अब मैं कमाल की शादी करवा के छोड़ूंगी। आइजल, आइजल, I need to talk. मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे बात करनी है ना बेटा तुमसे? पापा मुझे आपसे बात नहीं करनी। बेटा listen to me, मैंने कोई initiative नहीं लिया था, पप्पू ने बात की थी शादी की। वो चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, जबकि मैं, आइजल मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं आज भी तुम्हारी माँ से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितना उसकी जिंदगी में करता था, और मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी। प्लीज पहले मेरी बात सुन लिया करो। बस बस गुस्सा नहीं करते हैं बेटा, ठीक है? रिलैक्स। वालेकुम अस्सलाम। इरसा, एक छोटा सा काम कर दो प्लीज। क्या? ये जोड़ा सी दो, कल मेरे कजन की मंगनी है, प्लीज जल्दी से सी दो यार। नहीं आज नहीं सी सकती, कल टेस्ट है मेरा। अरे यार एक काम करू ना, रात में सी देना और सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे दे देना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, नहीं सी सकती अभी प्लीज। और दुपट्टे से हटो मेरे। अल्लाह इतना खूबसूरत जोड़ा, ये कहां से आया? मैंने बनाया। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन ये है किसका? मेरा। इरसा
ये प्लीज मुझे दे दो। इस पे जितना भी खर्चा आया ना मैं तुम्हें दूंगी। नहीं ये नहीं दे सकती, कल पहन के जाना है यूनिवर्सिटी। कुछ और पहन के चली जाना ना, ये मुझे दे दो। बताओ कितना खर्चा आया है? बहुत महंगा बना, तुम नहीं दे सकती। अरे क्यों नहीं दे सकती, बताओ तो सही और जोड़ा तो देखो। बहुत पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास? बताओ ना प्लीज कितना खर्चा आया है? 2,150 रुपए। एक काम करो, मैं तुम्हें इसके 2,300 रुपए देती हूँ, ठीक है? तुम पागल हो, इतनी मेहनत से मैंने ये जोड़ा बनाया, रात भर जाग के, नहीं दे सकती। अच्छा चलो 2,500 रुपए। नहीं 3,000 रुपए। अब मना नहीं करना प्लीज। बानो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, कौन सी जबान में समझाओ। अच्छा डबल पैसे ले, डबल, ठीक है अब मना नहीं करना। जोड़ा तो देखो यार, किसी डिजाइनर शॉप पे भी ना ये 7-8 हज़ार रुपए से कम नहीं मिलेगा। बहुत खूबसूरत है। वैसे ये डिजाइन तुमने कैसे बनाया? कल साहब के घर गई थी ना तो उनकी बेटी की अलमारी में देखा था, वहीं से कॉपी किया। जबी तो दुपट्टा दिखाओ। ला कितना खूबसूरत है। बस ये मुझे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगी। ये लो 1,000 रुपए एडवांस। बहुत मोहब्बत से बनाया मैंने, सलीके से पहनू, रात भर जा के हूँ। थैंक यू सो मच। चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। पता है ना दुपट्टा कैसे पहनना? हाँ हाँ पता है। वो क्या पहनूंगी? डबल पैसे, कोई बात नहीं, बहुत सारे काम हो जाएंगे, बाकी लिए गोश्त का सालन भी बन जाएगा। तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई? हो गई, मुश्किल नहीं था, आई ट्राइड माय बेस्ट कि हो जाए, लेकिन डेट्स आगे हो गई है ना इसकी। हेलो क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो यार? मेरी दादू आई थी आज घर पे। दादू? I mean, मेरे पापा की फुप्पो। तो ऐसा क्या कह दिया उन्होंने तुम्हें जो तुम्हारा मूड खराब हो गया? पापा की शादी कराना चाहती हैं वो। Are you kidding me? शादी? यार guys I'm serious। अरे यार तो इसमें क्या हो गया, करने दो ना, मारा क्या जाता है? क्यों guys? मेरी बात सुनो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, और मेरी मामा की जगह कोई नहीं ले सकता। लो तो इसमें तुम्हारे पापा, मतलब वो क्या चाहते हैं? अचानक से सोचो तुम्हारी मामा की जगह किसी को ले आए तो? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। And how can you be so sure? क्या पता उनकी ख्वाहिश हो, और इसलिए तुम्हारे पापा की फुफ्फू आई हूँ। क्यों गाइस? Obviously. यार बस कर दो, तुम क्यों बिना वजह उसके पापा का नाम ले ले किसी ढंग से? मेरे पापा ने मुझे यकीन दिलाया वो शादी नहीं करेंगे। लो इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, हो सकता है तुम्हारे पापा पहले कहीं शादी कर चुके हो और तुम्हें ना बताया हो, किसी अलग घर में रखा हुआ उन्हें, घर से बाहर जाते हुए तुम्हें थोड़ी बता के जाएंगे वो कहाँ जा रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल। तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? अजीब पागल हो तुम लोग, अजीब मतलब हद होती है। Come on यार। यार अशर मैं सोच रहा था कि इसके बाबा की शादी पे मैं शेरवानी पहनूंगा ब्लैक कलर की। मुझे साड़ी पहननी है। और तुम ना शलवार कमीज पहन लेना। डन डन डन। नहीं तुम लोग कर लो, पहले डिसाइड कर लो कि मेरे पापा की शादी पे तुम लोगों ने पहनना क्या है। यार इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आफ्टर ऑल तुम्हारे बाप की शादी है यार। यार बस कर दो यार। इतनी गंदी कॉफी बनाई है। क्या ये है? नहीं, क्या लगता है मैं आंखें बंद करके पढ़ता हूँ सर? सॉरी सर। सो मेनी मिस्टेक्स।
चीज होती है प्रूफ रीडिंग, आदत डालें उसकी। जाइए दोबारा इस पे काम करके आइए। जाइए। सॉरी सर। इट्स ओके। हरिया मिस्टर राशिद कुरैशी साहब, क्या हाल है? मिस्टर कमाल हसन साहब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अरे वो तो हमें पता है, मिजाज कैसे हैं आपके? कैसा चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त हैं। हुक्म कीजिए जनाब। अरे आप बड़े आदमी हैं साहब, हम तो सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं। कर लो बेटा तंस, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें इजाजत है इस चीज की। कसम से तंस नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस ये जो झूठी कसमें खाते हो ना तुम, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता तुम्हें। बोलो। अच्छा यार सीरियसली बताओ कि शाम में क्या कर रहे हो? कुछ खास में। क्या काम है? अरे एक पार्टी रखी है घर पे यार, तो अगर तुम आइजल को लेकर आ जाओगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। टेल मी वन थिंग, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आऊं या दोस्त के तौर पे? अरे यार मैं तो एक दोस्त के तौर पर ही बुलाना चाहता। अरे तो दोस्तों की तरह बात करो ना, ये क्या आप जनाब लगाया हुआ है? इसका मतलब है कि तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है, तो बस फिर ठीक है बेटा, शाम को पहुंच जाना आजल के साथ, समझे? थोड़ा सुकून आया सीरियसली। तो बस फिर ठीक है, शाम में होती है मुलाकात। आता हूं, बिल्कुल, डोंट वरी, बाय बाय। आ गए तुम? कितना खर्चा किया? दो हजार आठ सौ बत्तीस। क्या जी? इतना सा सामान 2832? जी जैसे बाहर तो महंगाई है नहीं ना, कभी खुद बाजार जाओ तो लग पता जाए। मुझसे ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। ये जो दिन ब दिन तेरी पैसे ठगने की आदत है ना, ये बढ़ती जा रही है। सच सच बता, कितने का सामान आया? तो मैं अकेला तो नहीं ठगता ना, वो जो तुम रोजाना 600-700 रुपए की दिहाड़ी लगाती हो वो? बकवास बंद कर। बकवास नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जब से शमसा बीबी का इंतकाल हुआ है तब से देख रहा हूँ, तुम तो साहब को महीने के महीने हिसाब देती हो। मेरे ना रोजाना का हिसाब हाथों पर होता है, मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार रुपए का फर्क निकलता है। अच्छा बकवास बंद कर, चुप रहे, लगता है साहब आ रहे हैं। और एक बात कान खोल के सुन ले, साहब के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना। तो मेरा अपनी जबान जरा बंद रखा करो, थोड़ा सा करप्शन का तो मेरा भी बनता है। देख लूंगी मैं तुम्हें, अब जाओ यहां से। देख लेना। पापा मुझे नहीं जाना। क्यों बेटा? क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। यू नो राशिद ने मुझे स्पेशली इंसिस्ट किया कि मैं तुम्हें लेके आऊं। पापा प्लीज मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम जानते हो राशिद की कोई औलाद नहीं है और वो तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। आई नो दैट। यू नो दैट आजल बेटा, ट्रस्ट मी, ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। ओके? No. इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। चलो ना, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। गुड़िया है ना प्यारी सी मेरी। पक्का थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे? बिल्कुल पक्का। जस्ट फॉर यू। थैंक यू।
भाईजान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आइए। क्या? हाँ, किधर है? राशिद। हे राशिद। अस्सलाम वालेकुम। अगर आज तुम आयदल के बगैर आते ना तो मैं तुम्हें यहीं से वापस भेज देता। हेलो हेलो। और मैं तो सिर्फ वेट ही आयदल का कर रही हूँ। कब? हैव फन। क्या मतलब? मेरी कोई अहमियत नहीं है। अरे भाई, इससे बड़ी अहमियत क्या होगी कि तुम आदिल के पापा हो। तो ठीक है, मैं जाता हूँ क्योंकि आपका चीफ गेस्ट तो आ गया। ठीक है। हाँ भाई, चले जाओ। एक तो दोस्तों के लिए पार्टीज रखो और फिर उनसे बातें भी सुनो। एक मिनट, क्या मतलब तुम्हारा कि मेरे लिए पार्टी? और क्या, आपने अकेले के लिए अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली, हमारा कोई हक नहीं है। अरे भाई शमसा, भाभी को सिर्फ तुम नहीं, हम भी याद करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अकेले रह के याद करते हो और हम तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते। थैंक यू। आओ आइजल, आइजल कम। This is the surprise. Oh wow. Thank you. Most welcome, beta. Thank you. Cake cut. Thank you, everyone. Thank you. सच में कमाल हसन का इतना ही अच्छा दोस्त है? पता नहीं। देखो अपनी तलाक याफ्ता बहन को किस तरह उसके साथ साथ रखता है। हो ना हो, मुझे तो यही लगता है कि वो फायजा की शादी कमाल हसन से करवाना चाहता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है ना। वेल, नाइस सुन रही है। थैंक यू। मैं बुटीक खोलूं? वही जहां पर बड़ी बड़ी बेगमात आके कपड़े खरीदती हैं। हाँ हाँ, पता है मुझे, जानता हूँ। बुटीक खोल लूं, पैसा कहाँ से आएगा? आप साहब से बात कीजिएगा ना, अगर थोड़ा एडवांस मिल जाए हमें तो। मैं बहुत अच्छा चलाऊंगी, हम बहुत पैसा कमाएंगे और हम साहब के पैसे भी लौटा देंगे। साहब के पैसे भी लौटा देंगे? मैनेजर लगा हुआ हूँ मैं साहब का, कि मैं जाके पैसों का बोलूंगा और वो चेक लिख के फौरन मुझे पकड़ा देंगे। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, बाद में कोई नौकरी वोकरी ढूंढना,
बुटीक खोलेगी। चलो जल्दी करो, देर हो रही है, साहब इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी हो जाओ, आ जाओ, आओ जल्दी। What is this? क्या है ये? मैंने आपको कितनी दफा समझाया कि मेरा ब्रेकफास्ट इस तरह से सर्व मत किया करें, मगर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Excuse me. क्या हुआ है? ये सफिया बी से कैसे बात कर रही हो तुम? पापा आप इनको अभी इसी वक्त फारिग करें। मुझे बताओगी हुआ क्या है? ये देख रहे हैं आप मेरा ब्रेकफास्ट, ऑयल देखे इसमें, और ऐसे कौन सर्व करता है? लेके जाइए, दोबारा ब्रेकफास्ट बना के लाइए। मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना। मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिए, जाइए। जी सर। पापा मैंने आपको बोला है मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना, आप सिर्फ इन्हें फारिग करें अभी। अज़ल को इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा, जितना तुम गुस्सा कर रही हो, चीख रही हो, चिल्ला रही हो, जस्ट लीव इट। चीखने चिल्लाने की नौबत भी तो इन्हीं की वजह से आई है ना। मैं रोज इतने प्यार से इनको समझाती हूँ, लेकिन इनको कोई बात समझ ही नहीं आती। अब बाबा प्लीज आप मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, मगर आपने नौकरों को ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया है। जब तक मामा थी ना बिल्कुल ठीक थे, ये सब सारे काम कर लेते थे, अब ना इनको किसी चीज की परवाह है ना कोई डर है। लिसन, मैं मानता हूं कि मैं सही तरह से सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। जब तुम्हारी मामा थी ना तो इनमें से कोई भी काम वो मुझे नहीं करने देती थी, इसलिए मैं नहीं जानता कुछ भी। बट आई एम ट्राइंग, आई एम लर्निंग एवरी डे। गॉड सेक यार, जब तक सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स रहो, गुस्सा कम करो। और देखो तुम्हारी मामा ने तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखाया। पापा प्लीज मुझे सुबह सुबह लेक्चर मत देना। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ यार, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम्हारी मामा तुम्हें समझाया करती थी वही मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी अपनी आदतें सही करो। देखो कल को तुम्हारी शादी होगी, ससुराल जाओगी, मैं तो बाप हूँ, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, ससुराल वाले नहीं करेंगे। पापा प्लीज, अभी ससुराल कहाँ से आ गया? और आप ये मेरे साथ ना दादो वाली बातें मत किया करें। दादो वाली? लो आ गया तुम्हारा नाश्ता, परफेक्ट। आइजल नाश्ता करके जाओ बेटा। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आइज़ अ लिसन बेटा। सॉरी। पहले कर लिया करें ये सब, खाइए आप खुद ही। कितनी देर है? अच्छा ठीक है, ओके चलो मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। कहाँ जा रही हो? मेरा तो ड्राइवर आने में अभी देर है। अंकल मैं आप लोगों के साथ चलूंगी, मैं इतनी देर क्या करूँगी? इरसा मैं तुम्हारा घर देखने चलूँ प्लीज। मेरा घर? हाँ वो ड्राइवर वर्कशॉप लेके गया ना गाड़ी, जब तक वो फारिग होगा तब तक मैं तुम लोगों का घर देख लूंगी। हाँ